हेलो दोस्तों, फिर से एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। तो आज किस वीडियो में हम लोग एमएस वर्ड में एक फ्रंट पेज को डिज़ाइन करना सीखने वाले हैं। तो चलिए बिना देर किए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, आपको एमएस वर्ड ओपन कर लेना है। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर पेज की सेटिंग करना आपको जरूरी है। इसके लिए आप क्या कीजिए, पेज लेआउट का यहाँ आपको टैब दिख रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले मार्जिन का ऑप्शन दिखेगा, मार्जिन पर आपको क्लिक करना है। और यहाँ पर आपके आपको यहाँ पर सेट करना है नैरो, ठीक है, नैरो पर आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद देखिए, यहाँ पर साइज का ऑप्शन दिख रहा है, साइज क्लिक करना है। और यहां पर A4 साइज को आपको सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। इसके बाद देखिए, हम लोग यहां पर पेज पर सबसे पहले बॉर्डर लगाएंगे, ठीक है, पूरे जो सेट है पेज पर उस पर बॉर्डर लगाएंगे। तो देखिए, यहां पर पेज बॉर्डर का ऑप्शन दिख रहा है, ये सब आपको पेज लेआउट टैब में ही मिलेगा। तो पेज बॉर्डर पर आप जाके क्लिक कीजिए और यहां पर देखिए बहुत सारे आपको पेज बॉर्डर के स्टाइल मिल जाएंगे, जो भी आपको पसंद आए इनमें से आप एक सेलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। तो देखिए, मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूं। और यहां पर कलर भी करने का ऑप्शन आया था, बहुत सारे आप कलर यहां पर पेज बॉर्डर पर लगा सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग इसी कलर को अभी रहने देते हैं, ये जो पिंक कलर है। इसके बाद सीधा यहाँ पर ओके प्रेस कर देते हैं, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरे होल पेज में, मतलब पूरे पेज में आपका पेज बॉर्डर यहाँ पर लग चुका है, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पर हम लोग एक PNG इंसर्ट करेंगे कॉर्नर पर। तो इसके लिए देखिए, मैं इंसर्ट में जाता हूँ, पिक्चर पर क्लिक करता हूँ और यहाँ पर देखिए हमारे पास एक PNG है, इस पर मैं क्लिक करके यहाँ पर इंसर्ट कर लेता हूँ, ठीक है। अगर आपको भी ये PNG चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, हमारा व्हाट्सएप नंबर आपको स्क्रीन पर मिल जाएगा, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पर हमने इसको इंसर्ट कर लिया है। इसके बाद हम लोग फॉर्मेट में जाते हैं। फॉर्मेट में यहाँ जाने के बाद देखिए एक ऑप्शन आएगा टेक्स्ट रैपिंग, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद देखिए, यहाँ पर एक ऑप्शन है इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट, इस पर आपको क्लिक करना है, ठीक है। इससे क्या है कि आपका जो PNG इमेज है उसको आप कहीं भी मूव कर सकते हैं। अब इसका जो साइज है उसको हम इस तरीके से यहाँ छोटा कर लेते हैं, ठीक है। और ये देखिए, थोड़ा सा और साइज हम लोग कम कर लेते हैं और इसको एकदम कॉर्नर पर ले जाके यहाँ पर हम लोग सेट कर देंगे। ये देखिए, इस तरीके से आपको यहाँ पर इसको सेट कर देना है, ठीक है। अब इसकी का हम लोग एक डुप्लीकेट बनाएंगे। तो इस पर पहले सेलेक्ट कीजिएगा, माउस से क्लिक कीजिएगा, इसके बाद Ctrl+D आपको प्रेस करना है, ठीक है। इसका एक डुप्लीकेट आपका बन जाएगा। अब इसको देखिए रोटेट करना है, तो इसके लिए फिर से फॉर्मेट टैब में यहाँ पर देखिए रोटेट का ऑप्शन है, इस पर आपको क्लिक करना है। और यहाँ पर रोटेट राइट है 90 डिग्री, इस पर आपको क्लिक करना है, ठीक है। अब इसको भी आपको सेम यहाँ पर कॉर्नर पर यहाँ पर लाके आपको इसको सेट कर देना है, ठीक है। सेम टू सेम इसी तरह हम लोग Ctrl+D प्रेस करते हैं और इसके एक डुप्लीकेट कॉपी बनाते हैं और नीचे में आप इसको लेते आइए, ठीक है। जैसे कि हमने ऊपर में किया, उसी तरह सेम टू सेम हम लोग नीचे में भी सेट करेंगे कॉर्नर में। तो इसको भी हम लोग रोटेट कर लेते हैं, रोटेट पर क्लिक किया। अब देखिए, यहाँ पर आप कर लीजिए फ्लिप, ये आपको रहेगा, ये देखिए है ना, फ्लिप 90 डिग्री आपका आ रहा है। तो अभी फिलहाल आप इसको यहाँ इस कॉर्नर पर यहाँ पर ला के सेट कर लीजिए, ठीक है। और इसका फिर से Ctrl+D डुप्लीकेट हम लोग बना लेते हैं। उसके बाद फिर हम लोग रोटेट पर जाते हैं और रोटेट 90 डिग्री कर लेते हैं और इसको यहाँ पर कॉर्नर पर ला के सेट कर देते हैं, ये देखिए इस तरीके से, ठीक है। अब चारों कॉर्नर में हमारा ये जो PNG है वो लग चुका है, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पर अब जो नेक्स्ट प्रोसेस है, आपको जो भी फ्रंट पेज बना रहे हैं जिस स्कूल का या फिर इंस्टीट्यूट का, उसका आपको नेम लिखना है, ठीक है। तो इसके लिए आप यहाँ पर इंसर्ट में जाइए। इंसर्ट में जाने के बाद देखिए, यहाँ पर वर्ड आर्ट का ऑप्शन है, वर्ड आर्ट पर आप क्लिक कीजिए और यहाँ पर जो ये फर्स्ट वाला वर्ड आर्ट है इसी को आप सेलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। यहाँ पर जो भी आपका स्कूल का नेम है उसको आप यहाँ पर टाइप कर लीजिए। टाइप करने के बाद हमने स्कूल का नेम देखिए टाइप कर लिया है। अब यहाँ पर आप फॉन्ट का स्टाइल भी सेट कर सकते हैं, यहाँ पर बहुत सारे आपको फॉन्ट स्टाइल मिल जाएंगे। तो बाय डिफॉल्ट जो हमारा ये एरियल ब्लैक है, इसी को हम लोग रहने देते हैं। यहाँ पर देखिए साइज का ऑप्शन है, साइज पर यहाँ पर क्लिक करते हैं और यहाँ पर 18 नंबर को सेट कर लेते हैं, ठीक है। आप चाहें तो साइज बड़ा भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद यहाँ पर सीधे आपको ओके पर प्रेस कर देना है, ठीक है। देखिए, यहाँ पर आपका इंसर्ट हो गया है। अब देखिए, ये मूव नहीं होगा, इसको आप कितना भी मूव करेंगे ये मूव नहीं होगा। तो इसके लिए आपको क्या करना है, इसको सेलेक्ट करना है, फॉर्मेट में जाके यहाँ पर देखिए टेक्स्ट टाइपिंग पर क्लिक करना है और यहाँ पर करना है इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट, ठीक है। अब देखिए, ये आराम से ये जो आपका टेक्स्ट है वो मूव हो पाएगा, ठीक है। अब यहाँ से साइज को हम लोग यहाँ से ये आपको स्ट्रेस करके इसको बड़ा कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए एक आपको सिंबल दिख रहा है, इस पर माउस पॉइंटर जैसे ले जाएगा यहाँ पर डबल एरो बनेगा, इस तरह इसको आप स्ट्रेच कर सकते हैं, ठीक है। ये देखिए, इस तरीके से कर लिया। अब देखिए, इसको क्या करना है, इसको सेलेक्ट रहने दीजिएगा और फॉर्मेट टैब में आपको एक ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं राइट साइड में अलाइन का, अलाइन पर क्लिक करना है और यहाँ पर अलाइन सेंटर पर क्लिक करना है, ठीक है। जिससे क्या है कि ये एकदम सेंटर पर आपको आके सेट हो जाएगा। अब इसको हम लोग कलर करेंगे, तो कलर करने के लिए इसको आप सेलेक्ट रहने दीजिए, फॉर्मेट टैब में ही आपको कलर का ऑप्शन मिलेगा, सेव फील में आप आइए। यहाँ पर देखिए ग्रेडियंट का ऑप्शन है, ग्रेडियंट में आइए और सबसे नीचे में यहाँ पर मोर ग्रेडियंट का ऑप्शन है, फिर मोर ग्रेडियंट पर आपको क्लिक करना है, ठीक है। देखिए, इस तरीके का एक बॉक्स ओपन होगा, यहाँ पर आपको टू कलर को सेलेक्ट करना है, ठीक है।
फर्स्ट जो कलर हमारा रहेगा इसको आप यहाँ से मान लीजिए रेड कलर ले लीजिए, और सेकंड कलर यहाँ पर हम लोग ले लेते हैं येलो, ठीक है। अब इसमें से जो भी आपको अच्छा लगे इसमें से आप रख सकते हैं। यहाँ पर चार आपको ऑप्शन आ रहे हैं, तो इसमें से हम देखिए हम लोग ये वाला रख रहे हैं थर्ड वाला, और यहाँ पर ओके प्रेस कर देते हैं, ठीक है। देखिए इस तरीके से आपका जो टेक्स्ट है वो कलर हो गया है। अब इसका अगर आप चाहें तो बॉर्डर रख सकते हैं, जैसे हम लोग इसका बॉर्डर रहने देते हैं, तो यहाँ पर देखिए शेप आउटलाइन है, इस पर क्लिक करते हैं और यहाँ पर हम लोग इसको रेड कर लेते हैं, ठीक है। और इसका अगर आप शैडो रखना चाहते हैं, शैडो का भी देखिए ऑप्शन मिल जाता है यहाँ से, इस तरीके से आप शैडो भी रख सकते हैं। ये हमने शैडो को सेट कर लिया, ठीक है। अब देखिए इसके बाद दोस्तों हम लोग यहाँ पर स्कूल का जो है वो लोगो लगाएंगे, तो इसके लिए आप फिर से इंसर्ट में जाइए, पिक्चर में जाइए। पिक्चर में जाने के बाद यहाँ से हम लोग का एक हमने लोगो रखा हुआ है स्कूल का, आप ही अपने स्कूल का इस तरह से लोगो को डाउनलोड करके रखिए, क्योंकि जब भी आप फ्रंट पेज बनाते हैं इन सब चीज़ों की आपको बहुत ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हमने लोगो रखा हुआ, इस पर हमने क्लिक किया और यहाँ पर इंसर्ट कर लिया, ठीक है। अब देखिए सेम ये है, आपका जो पिक्चर है वो मूव नहीं होगा, इसके लिए फिर से आप टेक्स्ट टाइपिंग में जाके और इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट कर दीजिए, ठीक है। इसके बाद थोड़ा साइज छोटा करके और इसको यहाँ पर लाके हम लोग सेट कर देते हैं, ठीक है, सेंटर पर। अब देखिए इसको सेंटर पर नहीं हुआ है, इसको आप सेलेक्ट करने दीजिए, फॉर्मेट में जाके यहाँ पर देखिए अलाइन में जाके अलाइन सेंटर पर क्लिक कर दीजिए, जिससे ये क्या है जो पिक्चर है वो सेंटर पर आ जाएगा, ठीक है। साइज चाहें अगर आप चाहें तो अपने हिसाब से कस्टमाइज करके छोटा कर सकते हैं, अगर आपको लगे कि आपके पेज में काफ़ी जगह है तो आप इसको बड़ा भी कर सकते हैं, ठीक है, बाद में बढ़ा भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए हमने यहाँ पर कर लिया, अब इसका एक पिक्चर का बॉर्डर लगाते हैं, तो इस पर हमने क्लिक किया, फॉर्मेट में गए और यहाँ पर देखिए एक राउंड शेप में आपको आ रहा है, इस पर हम लोग क्लिक कर लेते हैं, ठीक है। और इसका जो ब्लैक कलर इसको चेंज करके हम लोग कोई और कलर देख लेते हैं, तो यहाँ पर देखिए पिक्चर बॉर्डर पर क्लिक करके और यहाँ से कोई एक कलर को हम लोग यहाँ सेट कर लेते हैं, ठीक है। और इसका जो साइज है वो भी कम कर लेते हैं, ये देखिए, ठीक है, इतना चलेगा, इतना काफ़ी है। इसके बाद देखिए यहाँ पर थोड़ा सा आपका शैडो जैसा भी आ रहा है, तो इसके लिए आप क्या कीजिएगा, यहाँ पर देखिए आप पिक्चर इफेक्ट है इसमें आप आइएगा और यहाँ पर देखिए शैडो का है, यहाँ पर आपको ये वाला जो है नो शैडो, इस पर आपको क्लिक कर देना ताकि आपका शैडो नहीं बने, ठीक है। क्योंकि देखिए दोस्तों जब आप कंप्यूटर में बना रहे हैं तो आपको शैडो देखने में अच्छा लगेगा, लेकिन जब आप प्रिंट कीजिएगा तो हो सकता है कि वहाँ पर देखने में आपको खराब लगे, ठीक है। इसलिए आप शैडो इसको हटा दीजिए, हल्का फुल्का यहाँ जो जैसे टेक्स्ट में जो हमने शैडो रखा है ये चलेगा, लेकिन जो पिक्चर में वो शैडो वो कभी कभी प्रिंट में अच्छा नहीं दिखता है, ठीक है। तो इसको देखिए हमने यहाँ पर लोगो यहाँ पर सेट कर लिया है। अब चलिए अब हम लोग यहाँ पर टाइप कर लेते हैं प्रोजेक्ट वर्क, ठीक है। तो इसके लिए आप यहाँ पर इंसर्ट में जाइए, शेप में जाइए और यहाँ पर देखिए टेक्स्ट बॉक्स है, इसको आप सेलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। एक टेक्स्ट बॉक्स को इस तरीके से यहाँ आप ड्रॉ कर लीजिए, यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं प्रोजेक्ट वर्क, प्रोजेक्ट वर्क हमने लिख लिया, इसको आप सेलेक्ट कर लीजिए, होम में टैब में जाइए, यहाँ से आप फॉन्ट साइज को इस तरीके से आप बढ़ा लीजिए, ठीक है। इसको अलाइन सेंटर पर क्लिक कर दीजिए, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर जो भी आप रखना चाहें यहाँ पर बहुत सारे आपको मिल जाएंगे फॉन्ट स्टाइल, इसको आप यहाँ से सेट कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद फॉन्ट स्टाइल सेट करने के बाद इसका हम लोग थोड़ा टेक्स्ट साइज कम कर लेते हैं, ये देखिए इस तरीके से हम लोग यहाँ से कम कर लेते हैं इसको, ठीक है। और ये जो हमने लिखा है इस जो टेक्स्ट बॉक्स है इसको भी हम लोग को सेंटर पर लाना होगा, तो फिर से आप फॉर्मेट में जाइए, अलाइन पर जाके यहाँ पर अलाइन सेंटर कर लीजिए, ठीक है। अब देखिए एकदम पूरा सेंटर पर सारा चीज़ सेंटर पर आ गया है। अब इसका जो आउटलाइन है इसको थोड़ा हम लोग साइज में बड़ा कर लेते हैं, तो यहाँ देखिए शेप आउटलाइन है, यहाँ पर जाकर वेट में जाते हैं और यहाँ से देखिए साइज थोड़ा इसको बढ़ा लेते हैं, ठीक है। और इसका जो कलर भी है वो भी हम लोग थोड़ा चेंज कर लेते हैं, ये देखिए, ठीक है। और ये जो प्रोजेक्ट वर्क है इसको भी हम लोग सेलेक्ट करके इसका जो टेक्स्ट कलर है उसको भी चेंज करते हैं। इसके लिए आप होम में चले जाइए, पहले सेलेक्ट कर लीजिए माउस से, होम में जाइए और यहाँ पर ये कलर का ऑप्शन है, यहाँ पर जाके हम लोग यहाँ डार्क ब्लू पर क्लिक कर लेते हैं, ठीक है। तो ये देखिए दोस्तों ये हमारा प्रोजेक्ट वर्क यहाँ हमने लिख लिया है। अब चलिए हम लोग यहाँ पर सब्जेक्ट लिख लेते हैं, तो सब्जेक्ट लिखने के लिए हम लोग कंप्यूटर सब्जेक्ट के लिए यहाँ पर फ्रंट पेज डिज़ाइन कर रहे हैं, तो इसके लिए देखिए फिर से हम लोग इंसर्ट में जाते हैं, शेप में जाते हैं और यहाँ से हम लोग जो सब्जेक्ट का लिखने के लिए एक टेक्स्ट हम लोग सॉरी शेप एक हम लोग उठाएंगे, वो शेप मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं वीवेल नाम का एक आपको शेप मिलेगा, इसको आप सेलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। इसके बाद माउस की मदद से यहाँ पर इस तरीके से आपको ड्रॉ कर लेना है, ठीक है। ये देखिए इस तरीके से आप ड्रॉ कर लीजिए, ड्रॉ करने के बाद अब देखिए यहाँ पर हम लोग यहाँ पर एक टेक्स्ट बॉक्स को करेंगे, ठीक है। तो टेक्स्ट बॉक्स भी आप लगा सकते हैं या फिर इस पर आप जो हमने बनाया हुआ है इस पर आप राइट क्लिक कीजिए और यहाँ पर देखिए ऐड टेक्स्ट का ऑप्शन आएगा, ऐड टेक्स्ट पर क्लिक कीजिए। अब यहाँ पर जो भी आप टाइप करना चाहें कर सकते हैं, तो यहाँ पर हम लोग सब्जेक्ट लिखने वाले हैं, सब्जेक्ट हो गया हमारा। इसके बाद हम लोग एक सेमी कॉलन देते हैं और कंप्यूटर लिख देते हैं,
ठीक है। अब इसको हम लोग सेलेक्ट करते हैं और होम में जाके इसका पहले हम लोग फॉन्ट साइज को इंक्रीज कर लेते हैं, इसके बाद सेंटर अलाइनमेंट पर कर लेते हैं और इसके बाद इसका देखिए हम लोग यहाँ से जो कुछ बढ़िया फॉन्ट स्टाइल देख लेते हैं, ठीक है। ये देखिए हमने सेलेक्ट कर लिया। अब इसका जो साइज़ है इसको हम लोग थोड़ा सेप का साइज़ है जो वो कम कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि हमें इतनी ज़रूरत नहीं है। अब देखिए ये जो सेप है इसको भी हम लोग सेंटर में करना होगा, तो फॉर्मेट में जाइए, अलाइन में जाइए, अलाइन सेंटर पर क्लिक कर दीजिए, ठीक है। अब देखिए ये हमारा हो गया। अब इसको भी हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा कलर करेंगे, तो यहाँ पर देखिए थोड़ा सा साइज को मैं और कम कर देता हूँ, ठीक है। तो ये हमने सेप को जो कलर करना है, तो फॉर्मेट में जाके यहाँ सेप फिल में जाके और यहाँ पर देखिए कोई भी एक यहाँ पर ये जो आपको यहाँ पर आप देख सकते हैं कलर है पर्पल कलर, इसको हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से हम लोग फिर से टेक्स्ट को सेट कर लेते हैं, मतलब सेलेक्ट कर लेते हैं और इसके बाद देखिए यहाँ पर कलर में जाके व्हाइट कलर लेते हैं ताकि ये थोड़ा हाईलाइट देखने में ठीक लगे, ठीक है। ये देखिए इस तरीके से कर लिया हमने और इसका जो आउटलाइन थोड़ा ब्लैक आ रहा है तो इसको हम लोग सेलेक्ट करके यहाँ फॉर्मेट में जाते हैं, सेप आउटलाइन में जाते हैं, यहाँ से जो भी आउटलाइन आप रखना चाहें आप रख सकते हैं। देखिए बहुत सारे आउटलाइन आपको यहाँ मिल जाएंगे, ठीक है, तो इसमें से कोई भी आप एक रख लीजिए। इसके बाद देखिए ये हमारा हो गया, सब्जेक्ट हमने यहाँ पर कंप्यूटर लिख लिया है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हम लोग कंप्यूटर का अगर प्रोजेक्ट वर्क के लिए आप फ्रंट पेज डिज़ाइन कर रहे हैं तो यहाँ पर कंप्यूटर का भी पिक्चर अगर लगाएंगे तो बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है। इसके लिए आप इंसर्ट में फिर से जाइए और पिक्चर में जाइए और पिक्चर में जाने के बाद हमने यहाँ पर कंप्यूटर का PNG पहले से रखा हुआ है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये देखिए कंप्यूटर का PNG है, इसको आप सेलेक्ट करके यहाँ पर इंसर्ट कर लीजिए, ठीक है। ये सब PNG अगर आपको चाहिए तो आप मुझे WhatsApp पर कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए हमने इंसर्ट कर लिया, फॉर्मेट में जाते हैं, टेक्स्ट रैपिंग में जाके यहाँ पर इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट कर लेते हैं। इसके बाद देखिए यहाँ पर हम लोग लगा लेते हैं इस तरीके से, ठीक है। यहाँ पर देखिए मूव करके लेते आते हैं और साइज़ थोड़ा यहाँ पर हम लोग छोटा कर देते हैं, ठीक है। ये देखिए इस तरीके से हमने कर लिया, इसको आप सेट कर लीजिए जहाँ भी चाहें, इस तरीके से थोड़ा यहाँ बीच में ही अच्छा लगेगा, या यहाँ पर अगर आपने कंप्यूटर सब्जेक्ट लिखा है तो यहाँ पर भी आप रख सकते हैं। और इसका सेम डुप्लीकेट कॉपी बना सकते हैं, तो Ctrl+D प्रेस करते हैं, ठीक है। ये देखिए इस तरीके से आपका डुप्लीकेट बन गया और इसको हम लोग यहाँ पर थोड़ा रोटेट कर लेंगे। ये देखिए रोटेट का ऑप्शन है यहाँ पर, देखिए आप कर सकते हैं ये वाला, ठीक है, फ्लिप हॉरिजॉन्टल, इस पर आप क्लिक कर लीजिए, ठीक है। और इसको आप थोड़ा सा आप इस तरीके से सेट कर लीजिए, ठीक है। साइज़ अगर आप छोटा करना चाहें तो साइज़ भी छोटा कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि प्रिंट होने के बाद कैसा लगेगा यह प्रिंट प्रीव्यू में मैं आपको दिखा दूंगा। ये देखिए कंप्यूटर का हम लोग का दोनों का फोटो इस तरफ लग गया है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर नीचे में आप आ जाइए और नीचे में आने के बाद देखिए अब हम लोग यहाँ पर जो भी डिटेल्स है स्टूडेंट्स का उसको हम लोग यहाँ पर करेंगे। तो इसके लिए आप क्या कीजिए, इंसर्ट में आइए, सेप में आइए। सेप में आने के बाद देखिए यहाँ पर आपको एक राउंड रेक्टेंगल सेप नाम से आपको ऑप्शन मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं यहाँ भी है, तो इसको आपको इसको सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। यहाँ पर भी देखिए यहाँ पर भी आपको मिल जाएगा बेसिक सेप में, इसको आप सेलेक्ट कर लीजिए और इस तरीके से आप यहाँ पर ड्रॉ कर लीजिए, ठीक है। देखिए ड्रॉ कर लिया। अब देखिए ये जो रेक्टेंगल है लेकिन ये राउंड वाला रेक्टेंगल है, तो अगर आप चाहते हैं कि ये जो राउंड है वो थोड़ा कम आपको करना, तो देखिए यहाँ पर एक येल्लो टाइप का सिम्बॉल दिख रहा है, इस पर आप माउस से क्लिक करके इसको इस तरीके से आप कम कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए थोड़ा सा यहाँ पर कम हो जाता है, तो इसको आपने सेट कर लिया। इसको सबसे पहले हम लोग सेंटर अलाइन कर लेते हैं, तो फॉर्मेट में जाते हैं, अलाइन पर जाते हैं, अलाइन सेंटर कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर हम लोग जो है वो टेक्स्ट को अपना लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर पहले मैं फिर से सेंटर कर लेता हूँ, देखिए इस पर राइट क्लिक करते हैं और यहाँ पर ऐड टेक्स्ट पर क्लिक करते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर टाइप करने का ऑप्शन आ गया। अब यहाँ पर हम लोग जो भी इन्फॉर्मेशन है उसको हम लोग यहाँ पर टाइप कर लेते हैं, जैसे सबसे पहले मान लीजिए नेम रहेगा, ठीक है, तो नेम हमने यहाँ टाइप कर लिया। इसके बाद देखिए आपको क्या करना है, यहाँ पर सेमी कॉलन देना है, तो सेमी कॉलन आपका एक लाइन से होना चाहिए। इसके लिए आप क्या कीजिए, देखिए ऊपर में आपको ये रूलर बार दिख रहा है, स्केल जिसको हम लोग बोलते हैं, अगर आपके में ये स्केल या रूलर बार नहीं दिख रहा है तो इसके लिए आप देखिए क्या कीजिएगा, यहाँ पर व्यू टैब है, व्यू टैब पर आइएगा। व्यू टैब में आने के बाद देखिए यहाँ पर रूलर का ऑप्शन है, अगर ये टिक नहीं है तो इस पर आप टिक कर दीजिएगा, ठीक है। अगर मैं इस पर टिक हटा देता हूँ तो देखिए मेरा जो रूलर है वो गायब हो जाता है, तो इस पर मैं टिक रखता हूँ जिससे ये रूलर हमारा दिखाई पड़ता है, ठीक है। तो इसके लिए आप यहाँ पर ये रूलर को सेट करके रखिए। काफ़ी लोग मुझे कमेंट करते हैं सर हमारा ये जो स्केल है रूलर है वो दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हमने ये लगाया रूलर, अब यहाँ पर देखिए एक रूलर पर ही हम लोग माउस पॉइंटर ले जाते हैं और यहाँ पर एक बार क्लिक करते हैं, देखिए यहाँ पर एक एल टाइप का सिंबल दिख जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखिए आपको क्या करना है, कीबोर्ड से टैप को प्रेस करना है और यहाँ पर शिफ्ट दबा के आपको सेमी कॉलन को प्रेस करना है, ठीक है। अब यहाँ पर आपको जो भी आप लिखना है आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए थोड़ा सा हमारा गैप ज़्यादा हो गया, तो इसको हम लोग थोड़ा कम कर लेते हैं,
तो इसके लिए थोड़ा सा सेब का साइज ही पहले हम लोग थोड़ा कम कर लेते हैं, क्योंकि हमने सेब का साइज थोड़ा ज़्यादा ड्रॉ कर दिया है। ठीक है, बाद में अगर हमें ज़रूरत पड़ेगी तो हम इसको बढ़ा लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर कर लिया। फिर से हम लोग देखिए यहाँ पर इस तरीके से कहीं भी एक जगह क्लिक कीजिए, आप सीधे आप टैब पर प्रेस करेंगे तो आपका कर्सर यहाँ आ जाएगा। फिर शिफ्ट दबा के कोलन दबाइए और यहाँ पर जो भी आप नेम टाइप करना चाहें उसको आप टाइप कर लीजिए। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर एक कोई नेम मैं टाइप कर लेता हूँ, मैं अपना ही नाम टाइप कर लेता हूँ, विनय कुमार। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर इंटर प्रेस करते हैं। अब यहाँ पर हम लोग रोल लिख लेते हैं, फिर से टैब प्रेस करते हैं, सेमी कॉलन देते हैं, जो भी रोल है उसको यहाँ पर डाल देते हैं। इसके बाद यहाँ पर हम लोग क्लास लिख लेते हैं, टैब प्रेस करते हैं, सेमी कॉलन, और यहाँ पर कर लेते हैं 10th, हमें हम लोग यहाँ लिखना है तो यहाँ पर हम लोग 10th लिख लेते हैं। और यहाँ पर देखिए इसको हम लोग सेलेक्ट करते हैं TH को, और यहाँ पर देखिए सुपर स्क्रिप्ट है तो इस पर हम लोग क्लिक करते हैं। अब ये 10th ऐसा हो गया। ठीक है, अभी मैं इसको फॉन्ट साइज थोड़ा बड़ा करके दिखाऊंगा आपको। इसके बाद फिर से हम लोग यहाँ पर किया और इंटर प्रेस करते हैं, और यहाँ पर अब हम लोग सेशन लिख लेते हैं। सेशन लिख लिया, टैब प्रेस किया, इसके बाद जो भी आपका सेशन है उसको आप डाल दीजिए। ठीक है, अब देखिए इसको हम लोग पूरे को सेलेक्ट कर लेते हैं, या कंट्रोल प्लस आप ए भी प्रेस करेंगे तो सेलेक्ट हो जाएगा। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर फॉन्ट साइज थोड़ा हम लोग बढ़ा लेते हैं। इसके बाद यहाँ पर जो टेक्स्ट का या फॉन्ट स्टाइल है इसको भी यहाँ से हम लोग चेंज कर लेते हैं। ठीक है, बहुत सारे आपको देखिए यहाँ फॉन्ट स्टाइल मिल जाएंगे, ये कर लिया। इसके बाद इसको हम लोग दोस्तों कलर भी कर लेते हैं। ठीक है, तो कलर करने के लिए पहले सबसे पहले सेलेक्ट कर लीजिए, और यहाँ पर देखिए फॉन्ट कलर है, इस पर जाके आप जो भी फॉन्ट कलर रखना चाहें आप रख सकते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा। इसके बाद देखिए दोस्तों, अब यहाँ पर जो ये बॉर्डर आपको दिख रहा है इसको भी हम लोग थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, और साइज़ में भी बड़ा कर लेते हैं, और कलर भी कर लेते हैं। तो इसके लिए आप सेलेक्ट करके फॉर्मेट में जाइए, शेप आउटलाइन में जाइए, और यहाँ से सबसे पहले हम लोग देखिए वेट का ऑप्शन है, इसका थोड़ा साइज हम लोग यहाँ बड़ा कर लेते हैं, और इसका जो कलर है वो भी यहाँ पर जो भी आप रखना चाहें आप रख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से देखिए हमने ये सेट कर लिया। तो ये देखिए दोस्तों, ये हमारा यहाँ पर हम लोग जो भी डिटेल्स यहाँ होता है, आप चाहें तो और भी डिटेल्स अगर देना चाहें तो आप यहाँ दे सकते हैं, क्योंकि हमने सब्जेक्ट दे दिया। बाकी नेम, रोल, क्लास, सेशन, और जैसे सब्जेक्ट कोड भी बहुत कोई लिखते हैं तो वो सब भी आप यहाँ पर एंट्री कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए टेक्स्ट बॉक्स को अगर आप बड़ा करना चाहें, साइज को और बड़ा करना चाहें, तो यहाँ से टेक्स्ट बॉक्स को साइज को और बढ़ा लीजिए। ठीक है, जो शेप है इसको बढ़ा लीजिए। और इसका यहाँ पर आप इसको सेलेक्ट करके फॉन्ट साइज भी अगर बढ़ाना चाहे तो आप बढ़ा सकते हैं। ठीक है, ये देखिए, ठीक है, इस तरीके से आप बड़ा कर सकते हैं, क्योंकि जगह है आपके पास तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर ये हमारा इतना कंप्लीट हो गया है। अब नीचे में यहाँ पर हम लोग लिखेंगे सबमिशन सबमिटेड बाय, और एक सबमिशन बाय, तो सबमिटेड टू। ठीक है, तो इस पर हम लोग लिखेंगे, जैसे कि हमने देखिए पिछले वाले में यहाँ पर लिखा हुआ भी है, ये देखिए सबमिशन बाय जिसके द्वारा ये सबमिट किया जा रहा है, और सबमिटेड टू जिसको ये जो फाइल है उसको ये दिया जा रहा है, जो प्रोजेक्ट फाइल दिया जा रहा है। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग यहाँ पर देखिए आते हैं, इंसर्ट में आते हैं, यहाँ से शेप में आके एक टेक्स्ट बॉक्स को यहाँ पर हम लोग सेलेक्ट करके ड्रॉ कर लेते हैं, ये देखिए। ठीक है, और उसको टाइप कर लेते हैं। तो ये दोस्तों हमने यहाँ पर टाइप कर लिया है, मैंने तुरंत टाइप कर लिया ताकि आपका समय कम हो, इसलिए मैं वीडियो को थोड़ा सा शॉर्ट बना रहा हूँ। तो ये देखिए हमने यहाँ पर टाइप कर लिया है। टाइप करने के बाद इसको आप सेलेक्ट करके थोड़ा सा यहाँ कलर कर लीजिए, होम में जाइए, यहाँ से बहुत सारे कलर आप रख सकते हैं। ठीक है, वो कलर तो आप पर डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से कलर ग्रेडियंट करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देखिए ये जो कलर, इसको सेलेक्ट कर लेते हैं, इसका जो आउटलाइन है इसको हम लोग रिमूव कर देंगे, क्योंकि अच्छा नहीं लगेगा। तो हर बार देखिए यहाँ आउटलाइन यहाँ पर आ रहा है, तो आउटलाइन के लिए आप इसको पहले सेलेक्ट कर लीजिए, और फॉर्मेट में जाइए, और यहाँ से देखिए सेप आउटलाइन में जाइए, और यहाँ पर देखिए ऑप्शन है नो आउटलाइन, इस पर आपको क्लिक कर देना है। ठीक है, तो आपका जो आउटलाइन है वो यहाँ से हट जाएगा। अब इसका भी सेंटर अलाइनमेंट कर लेते हैं, तो फॉर्मेट में जाके यहाँ अलाइन, और यहाँ अलाइन सेंटर कर लेते हैं। ठीक है, ये देखिए ये हमारा हो गया। तो अब देखिए दोस्तों, ये हमारा हो गया सबमिशन बाय विनय कुमार, जिनके द्वारा दिया जा रहा है ये, और जिनको दिया जा रहा है उनका भी नाम यहाँ पर हो गया, जो भी टीचर होंगे। अब यहाँ पर डेट और यहाँ पर प्रिंसिपल सिग्नेचर हम लोग यहाँ लिख कर लेते हैं। तो इसके लिए इंसर्ट में जाके शेप में जाते हैं, टेक्स्ट बॉक्स ले लेते हैं, और यहाँ पर देखिए इस तरीके से टेक्स्ट बॉक्स को ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं सबसे पहले डेट, डेट का हमने कॉलम बना दिया। अब इसको हम लोग यहाँ आउटलाइन इसको हम लोग पहले रिमूव कर लेते हैं। तो ये देखिए सबसे पहले देखिए यहाँ पर जो इसका सेव फिल में जाके यहाँ पर पहले नो फिल कर दीजिए, नहीं तो इसका वाइट बैकग्राउंड आपको दिखेगा जब आपका पेज कलर करेंगे हम लोग। ठीक है, तो अभी मैं आपको बताऊंगा। देखिए हमने यहाँ पर नो फिल कर लिया, इसके बाद सेव आउटलाइन में जाके यहाँ पर नो आउटलाइन कर लीजिए। ठीक है, इसको सेलेक्ट करके होम में जाके इसको बोल्ड कर लीजिए, और साइज को यहाँ पर थोड़ा इंक्रीज कर लीजिए। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर ये हो गया। इसको हम लोग थोड़ा सा कलर भी कर लेते हैं, तो कलर करने के लिए देखिए इस ये यूज़ कर सकते
सकते हैं आप, या फिर बहुत सारे कलर आपको मिल जाएंगे जिसका आप चाहें यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो डेट हमने यहाँ कर लिया, अब इसी का हम लोग एक डुप्लीकेट कॉपी बना लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कंट्रोल प्लस डी प्रेस करते हैं और इसी को हम लोग यहाँ पर मूव करके यहाँ लेते आते हैं। ठीक है, ये देखिए, और इस यहाँ पर हमें इसको एडिट करके यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं प्रिंसिपल सिग्नेचर। ठीक है, अगर टीचर सिग्नेचर जो भी आप लिखना चाहे कर सकते हैं, प्रिंसिपल इसके बाद सिग्नेचर, आप चाहें तो शॉर्ट में लिखना चाहें शॉर्ट में लिख सकते हैं, अगर आपके पास जगह है तो आप लिख सकते हैं पूरी तरीके से। ठीक है, प्रिंसिपल सिग्नेचर ये हमने यहाँ पर लिख दिया है। इसके बाद देखिए ये हमारा दो हो गया, एक तो हमारे यहाँ डेट हो गया और एक प्रिंसिपल सिग्नेचर यहाँ पर हो गया, जो प्रिंसिपल रहेंगे वो साइन करेंगे। आप चाहें तो यहाँ पर ऊपर में एक लाइन भी दे सकते हैं, तो चलिए उसको भी देते हैं हम लोग। तो इसके लिए देखिए इंसर्ट में जाते हैं, शेप में जाते हैं, यहाँ पर लाइन है, इसको लाइन को सिलेक्ट करते हैं और शिफ्ट प्रेस करके हम लोग यहाँ पर एक लाइन को इस तरीके से ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा हम लोग लाइन का जो साइज़ है वो थोड़ा इंक्रीज कर लेते हैं। ये देखिए, अब जो प्रिंसिपल होंगे वो यहाँ सिग्नेचर करेंगे, डेट यहाँ पर आप दे दीजिएगा। ठीक है, अब देखिए दोस्तों ये हमारा इतना कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ पर जब आप इसको प्रिंट करते हैं तो काफ़ी लोग यहाँ पर करते हैं, सर हमें व्हाइट बैकग्राउंड अच्छा नहीं लगता पेज का, तो हम लोग पेज कलर भी करना चाहते हैं। तो इसके लिए देखिए आप पेज लेआउट फिर से टैब में चले जाइए, जो फर्स्ट में हम लोग गए थे, यहाँ पर देखिए पेज कलर का ऑप्शन मिल जाता है। ठीक है, तो पेज कलर में जाके आप यहाँ से जो भी पेज कलर रखना चाहें आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं, बहुत सारे आपको पेज के यहाँ कलर मिल जाएंगे। ठीक है, तो देखिए हमने पेज का थोड़ा कलर चेंज कर दिया है, ज़्यादा अगर आप लाइट नहीं रखेंगे तो फिर ठीक है, अगर ज़्यादा डार्क रहेगा तो फिर देखने में भी प्रिंट में भी सही नहीं आएगा। ठीक है, तो इतना आप रखिए, कम से कम कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए ये सब जैसे प्रोजेक्ट वर्क है तो इसका भी हम लोग कुछ अलग से कलर कर सकते हैं, तो यहाँ पर देखिए फॉर्मेट में जाके और इसका भी कुछ कलर आप इस तरीके से कर सकते हैं। ये देखिए, ठीक है, इसको भी हम लोग देखिए कलर कर लेते हैं। ठीक है, ये देखिए, ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको अपने तरीके से कस्टमाइज कर सकते हैं। अब देखिए ये है तो इसका देखिए नो फिल हमने नहीं किया था, इसको हमने सेलेक्ट करके सेव फिल में जाके यहाँ पर नो फिल कर लेते हैं ताकि ये कलर थोड़ा सा देखने में ठीक लगे। ठीक है, तो देखिए दोस्तों ये हमारा पूरी तरीके से बन के कम्प्लीट हो गया। अब चलिए मैं आपको बता देता हूँ कि इसको आपको सेव कैसे करना है। ठीक है, तो सेव करने के लिए देखिए यहाँ पर आपको यहाँ ऑफिस बटन दिख रहा है, अगर आप एमएस वर्ड 2007 यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पर ऑफिस बटन दिखेगा, या फिर आप कीबोर्ड से कंट्रोल प्लस एस भी प्रेस कर सकते हैं। ठीक है, आपके सामने आ जाएगा। सबसे पहले देखिए आपको सेलेक्ट कर लेना है कि आपको कहां पर इसको सेव करना है, तो यहां पर हम लोग डेस्कटॉप पर सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, डेस्कटॉप में जाने के बाद यहां पर फाइल नेम यहां पर जो भी आप लिखना चाहें दे दीजिए, तो यहां पर हम लोग फ्रंट पेपर लिख लेते हैं, फ्रंट पेपर हमने लिख लिया। इसके बाद यहां पर हम लोग सेव वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देते हैं। ठीक है, अब हमारा देखिए मैं आपको डेस्कटॉप पर ले चलता हूं सीधे और मैं आपको दिखाता हूं, यहां पर आप देख सकते हैं फ्रंट पेपर नाम से हमारा जो फाइल है वो सेव हो चुका है। ठीक है, तो ये हमने यहां पर सेव कर लिया है। तो ये देखिए दोस्तों ये हमारा पूरी तरीके से बन के कम्प्लीट हो गया है। अगर आप इसी तरह का और भी डिज़ाइन सीखना चाहते हैं फ्रंट पेज का, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो हमारा व्हाट्सएप नंबर आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। अगर आपको PNG चाहिए तो आप तब भी वो मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको PNG इमेज वहाँ पर भेज दूंगा। ठीक है, तो आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ऐसी हेल्पफुल वीडियो पाने के लिए और कंप्यूटर नॉलेज में एक्सपर्ट बनने के लिए। चलिए मिलते हैं नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।